ये लड़की लहरों में बहुत ही अच्छी तरीके से सर्फिंग कर रही थी, तभी उसका सर्फ बोर्ड एक शार्क से टकराता है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो पानी में गिर गई। और पानी के अंदर वो नीचे लुढ़कते हुए पत्थरों से टकराती है और सर्फ बोर्ड से बंधी हुई रस्सी भी टूट जाती है। फिर वो पानी से बाहर आती है और अपने सर्फ बोर्ड को खोजने लगी और तैरते हुए उसके तरफ जाती है। और जब वो अपने बोर्ड पर पहुंची ही थी कि तब वो शार्क उस पर हमला करती है और हम देख पाते हैं कि पानी खून से भर गया था और लड़की को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा और वो पानी के अंदर जाने लगी। लेकिन हिम्मत जुटाकर वो ऊपर आती है और वो देखती है कि दूर पानी में एक व्हेल की लाश पड़ी है, इसीलिए वो तैरते हुए उसके तरफ जाने लगी। फिर शार्क भी उसके पीछे आने लगती है और शार्क उस पर हमला करने ही वाली थी कि लड़की वक्त रहते व्हेल के लाश के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से उसकी जान बच गई। और वह देख पाती है कि शार्क ने उसके थाइस को बहुत नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए वो अपने पैर से पट्टी निकालकर अपने थाइस पर कसके बांध देती है। और अब लड़की पानी में फंस गई थी। आगे की कहानी के लिए कमेंट्स पर पार्ट 3 लिखिए।